हेलो दोस्तों, मैं अतुल्ला और आप देख रहे हो टैच नॉल। ओके, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका गूगल में अकाउंट से अगर आपके जितने भी कॉन्टैक्ट है वो सारा डिलीट हो जाता है, या आपके कहीं कहीं कॉन्टैक्ट्स आपके डिलीट हो जाते हैं तो उसको कैसे रिकवर करते हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो ऐसी वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। तो मैं अभी चलता हूँ स्क्रीन पर, देख सकते हैं अपने कि अगर आपका कॉन्टैक्ट डिलीट हो गया तो उसको कैसे रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो भी जीमेल अकाउंट है उसको अपने लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन करके रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉगिन करने के बाद आपको इसके बिल्कुल बाजू में मिलेगा एक मेनू बटन, वहाँ पर आप गूगल की बहुत सारी जो प्लेटफॉर्म है वो दिखाई देगा, जैसे अकाउंट, सर्च, मैप्स, यूट्यूब प्ले, न्यूज़। तो उसमें से देखो आप जीमेल वगैरह सब कुछ मिलेगा, तो उसमें आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट। तो जैसे आप कॉन्टैक्ट ओपन करोगे तो वहां पर आपके जितने भी फोन में कॉन्टेक्ट हैं सारे कॉन्टेक्ट, मतलब जिस जो भी कॉन्टेक्ट आपने सेव किए हैं ये जीमेल अकाउंट में, वो आपको कॉन्टेक्ट पूरा शो हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो सारे कॉन्टेक्ट हैं। ओके, उसके साथ आप दूसरे कोई तरीके से ओपन करना चाहते हो तो सिंपल गूगल पे टाइप करना है गूगल कॉन्टेक्ट। गूगल कॉन्टेक्ट टाइप करने से भी आपको वही पेज मिल जाएगा। तो जैसे ही आप टिक करते हो तो आपको मिल जाएगा वही कॉन्टेक्ट। तो देखिए अभी मेरे पास 143 कॉन्टेक्ट है, आप देख सकते हो सारे कॉन्टेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला मेरे सारे कॉन्टेक्ट है वो मैं डिलीट करता हूँ। देख लो सारे कॉन्टेक्ट है, अभी मैं यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाके डिलीट करता हूँ। जैसे ही आप उसको डिलीट करते हो ये सारे कॉन्टेक्ट आपके डिलीट हो जाएंगे। ओके, ये मेरा सारा कॉन्टेक्ट डिलीट हो गया, अभी मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं है इस पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है कि पूरा कॉन्टेक्ट उसको रिकवर करना है। तो रिकवर करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है इसमें कि आपका कितना भी पुराना जो भी होता है आपका कॉन्टेक्ट डिलीट हो जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट होता है, तो वो डिलीट हो जाएगा तो उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है और कई लोगों को पता नहीं होता है तो उसे डिलीट हो गया कॉन्टेक्ट को कैसे रिकवर करता है। तो अभी मेरा सारा कॉन्टेक्ट डिलीट हो गया, मैं उसको रिकवर करता हूँ। रिकवर करने के लिए आप देख सकते हो कि अभी 2020 के अंदर एक नया जो फीचर जो अपडेटेड आया उसमें आपको सेटिंग बटन मिलेगा। पुराना जो था वो सेटिंग बटन यहाँ पे मिल रहा था, आपको सेटिंग बटन अभी यहाँ पे मिलेगा आपके जो अकाउंट है उसके बिल्कुल बाजू में। ओके, तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा अंडो चेंजेस। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ देख रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ आप देख सकते हो कि आपको कितना पुराना आपको जो कॉन्टेक्ट है उसे रिकवर करना है। तो यहाँ पर है 10 मिनट अगो, अगर आपका कॉन्टेक्ट कुछ 10 मिनट पहले डिलीट हुआ है तो उसको रिकवर कर सकते हो, 1 घंटे में वो पहले हुआ है तो वो कर सकते हो, या आपका यस्टरडे वाला 1 वीक अगो, या आपको कस्टम करते हैं। कस्टम में मैं अगर सपोज समझ लो कि मैं करना होगा मुझे 25 दिन पुराना कॉन्टेक्ट डिलीट हो गया वो मुझे रिटर्न करना है। ओके, तो मेरा जो कॉन्टेक्ट अभी ऑलरेडी 10 मिनट पहले डिलीट हो गया है, बट अगर मेरा 25 दिन पहले भी अगर कुछ डिलीट हो गया है तो उसे रिकवर करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 25 डेज, और यहाँ पे अगर आपको कुछ आवर्स और मिनट लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। ओके, तो मैंने 25 मिनट कर दिया है और उसे मैं कन्फर्म कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा तो वो यहाँ पे वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद वो थोड़े बाद में जैसे ही आप यहाँ पे टिक करोगे सारा कॉन्टेक्ट आपका आ जाएगा। देखो तो आपके सारे जो कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पर 139 आ रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि ये आपका पूरा कॉन्टेक्ट बता रहा है। ये कब बता रहा है, यहाँ से 25 डे के पहले का। बट अगर आप 10 मिनट करोगे जैसे कि 10 मिनट अगो या ऐसा कुछ करोगे तो आपके सारे मिनट आ जाएंगे 146, आ गया पूरा कॉन्टेक्ट आपका जो डिलेट था वो पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट आपके हिस्ट्री में यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में दूसरी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको देखना है कि आप फ्रिक्वेंटली किसके साथ ज़्यादातर बात करते हो तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्रिक्वेंट कॉन्टेक्ट। ओके, उसके बाद डुप्लीकेट, अगर कुछ डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट है तो वो भी बताएगा। उसके साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो ये क्या चीज़ है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हो अगर इसमें से आपको कोई कॉन्टेक्ट यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है कि आपके पास कोई फाइल है उसको आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में सेव करना है, तो आप इंपोर्ट करके यहाँ से सिलेक्ट फाइल करके आपके पास जो भी कॉन्टेक्ट फाइल हो वो पूरा उसको यहाँ पे अटैच करके आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप ला सकते हो। दूसरी चीज़ के एक्सपोर्ट करना है कि आपको ये सारे कॉन्टेक्ट है 146 इसको आपको एक्सपोर्ट करना है आपके कंप्यूटर में, तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 146 कॉन्टेक्ट है तो आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं 3 ऑप्शन। सबसे पहले है गूगल CSV फाइल। ये CSV फाइल क्या होता है कि आपका जो जीमेल है वो सपोर्ट करता है अपना CSV फाइल। ओके, उसके बाद है आपका CSV, दूसरा आउटलुक का, ये अपना आउटलुक जो यूज करते हैं ऑफिशियली जो जो यूज करते हैं वो आउटलुक में यूज करते हैं तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा एक अपना
वीकार्ड फाइल, ये वीकार्ड क्या होता है कि जो भी अपना दूसरा आईओएस फोन होता है और दूसरा कुछ अदर फोन्स होता है वो आपका सपोर्ट करता है वीकार्ड वाला फाइल। तो देख लो अभी मैं करता हूँ ये CSP फाइल जो आउटलुक और दोनों में सपोर्ट करता है, तो मैं जिसको एक्सपोर्ट करूँगा तो मेरे पास ये फाइल आ जाएगा। तो आप जैसे ही उसको ओपन करोगे तो आपको पूरा उसका जो भी कॉन्टेक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो, उसका कॉन्टेक्ट, उसका नाम, उसके इंफॉर्मेशन, उसका वो क्या कैटेगरी में क्या है वो पूरा, और साथ में उसका यहाँ पर उसका कहाँ पे वो सेव किया है वो है, उसका अगर ईमेल अकाउंट होगा तो ईमेल अकाउंट भी ला सकते हो, और यहाँ पर आपका जितने भी कॉन्टेक्ट है वो सारे कॉन्टेक्ट भी आ जाएगा। अगर आपका होम है या फोन है क्या है वो पूरा डिटेल्स आप यहाँ पर सारा कॉन्टेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये एक आपका कॉन्टेक्ट है जो आप एक्सपर्ट कर रहे हो आपको मिल जाएगा उसमें। ओके उसके साथ साथ है अगर आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट को प्रिंट देना है तो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट को प्रिंट भी दे सकते हो जितना भी कॉन्टेक्ट, और अदर कुछ कॉन्टेक्ट आपके पास कुछ कॉन्टेक्ट है जो मेल आईडी आपको उसमें सेव नहीं है आपके मेन फोन डिक्शनरी में, तो आप क्या कर सकते हो उसको आप मेन कंटेंट के अंदर भी आप यहाँ पर भी ला सकते हो। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर टिक, तो आप यहाँ पर ऑल कर देता हूँ और उसको मैं ऐड करता हूँ मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो ये सारा का सारा कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ जाएगा। ओके देखो अभी 208 मेरा कॉन्टेक्ट हो गया, ये सारा जो कॉन्टेक्ट था वो मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ गया। ये जो अदर लिंक, अदर कौन सा होता है कि जो आपने मेल आईडी वगैरह को सेव करके रखा है तो सारा मेल आईडी भी आपका इसमें मेन कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, ताकि आप इजी से किसी को भी मेल कर सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जल्द से जल्द ऐसे ही वीडियो मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर इम्पोर्टेंट टाइम।